नमस्कार। आज हम आप सभी को लेके जा रहे हैं मणिकरण, और ये है मणिकरण का खतरनाक रोड। सबसे खतरनाक रोड ये नीचे कितना गया है, सिंगल लेन है। हाँ देखिए, आपको लेकर चलेंगे अभी मणिकरण गुरुद्वारा, दिखाएंगे। ऊंचे ऊंचे पे जाके मकान बनाए हैं लोग, जितना नीचे है उससे डबल। अच्छा, जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे है, देखिए ना कितना नीचे। ये है मणिकरण का रोड भाई, है तो खतरनाक ही खतरनाक है। ये अभी हम कसौल के पास पहुंचने वाले हैं, और ये है हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो मलाना है ना, ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर पानी स्टोर किया जाता है और वहाँ से छोड़ा जाता है नीचे आके। यहाँ पे फैक्ट्री है, हाइड्रो प्लांट लगे हुए हैं जहाँ से बिजली पैदा की जाती है। देखो यहाँ से बढ़िया नीचे उतर जाते हैं लोग नदी तक, एकदम बढ़िया प्रॉपर। वाशु तो बिना नाश्ते करेगी वाशु। देखो ये बच्चा है हमारा, ए गेट ध्यान। अच्छा वहाँ से नहीं प्ले कोई। फाइनली हम लोग पहुँचे हैं अभी मणिकरण गुरुद्वारा, और हम आपको दिखाते हैं मणिकरण। ओके फाइनली हम लोग हैं अभी मणिकरण में, और ये देखिए मणिकरण गुरुद्वारे के पास में ये पूरा। यहाँ से ये जो अभी धुआं उठ रहा है, ये गर्म पानी यहाँ से निकलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन टूर का है, और इस समय हम हैं गुरुद्वारा मणिकरण, जो कि कुल्लू से काफ़ी दूर पड़ता है। तो हम आए हैं शहीद मणिकरण गुरुद्वारे का साइट सीन करने के लिए, और हमारी लाडो रानी हमारे साथ में हैं। हम आपको दिखाते हैं मणिकरण गुरुद्वारा। ये आप देखिए इधर से, इसमें जो नहा रहे लोग ना, पानी गर्म है। ये मणिकरण के जस्ट बैक साइड में मार्केट है, और शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, और इधर ये मार्केट है पूरा। ये जो कि मणिकरण गुरुद्वारे के जस्ट बैक साइड में पड़ता है, और ये प्राचीन मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है भगवान शिव और पार्वती जी का। चलो मैडम, शिव मंदिर मणिकरण, भगवान की जय हो। जय शिव। ये देखिए, इसमें हम मणिकरण गुरुद्वारा के अंदर, और जो कि भगवान शंकर की मंदिर है अंदर, और इधर शिव भगवान की मूर्ति है काफ़ी प्राचीन, और यहाँ पे हॉट वाटर का स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग वाटर है, और इधर भी दिखाते हैं भगवान शिव की मंदिर है। ये देखिए सामने काफ़ी,
अभी हम हैं कसौल वैली, जो कि हम मणिकरण गुरुद्वारे से वापस आ रहे थे, तो हमें तुमने देखा काफ़ी अच्छा व्यू हमें दिखा, तो मैं यहाँ पे रुक गया और थोड़ा सा वीडियो बनाने लगे। तो हमने देखा कि ये सामने देखिए, ये तो अभी चलो आपदा ख़त्म हो गई थी हिमाचल की, जिसकी वजह से, और सामने आप देखिए ये पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे आ गया था बारिश के टाइम पे, और आज इसको रोड को काट के बना दिया गया है, तो थोड़ा सा आने जाने के लिए रास्ता बन गया है। नहीं तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए बहुत पतला सा रोड बनाया गया है आने जाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि नेचर के बीच जब आओ तो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब नेचर या प्रकृति जब आदमियों के साथ खिलवाड़ करता है ना, तो यही हाल होता है जैसे इन सब ऐसी जगहों पे हुआ है। लोग आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, खाते हैं, सामान को ऐसे कूड़े पे फेंक देते हैं, नदी नालों में बह जाता है, और ये कितनी सुंदर जगह है, तो थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए कि नेचर में आ रहे हैं तो साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। घूमो इधर। बिट्टू कहाँ पे हैं हम लोग? देवधाम रेस्टोरेंट पे। ये है देवधाम रेस्टोरेंट, जो कि कुल्लू में है। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, जो कि एकदम रिवर के साइड में है। अभी हम लोग हैं कुल्लू में, और कुल्लू के अंदर ऑन रोड ही है एक रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है देवधाम। और यहाँ हम लोग अभी कुछ लंच करने के लिए बैठे हुए थे, आए हैं, देख रहा हूँ बहुत अच्छा व्यू है, और बहुत अच्छा, अगर कोई भी आ रहा है तो यहाँ ज़रूर आए। अब देखिए हमारे जस्ट पीछे रिवर बह रहा है, और ये जस्ट इधर रेस्टोरेंट है, बार है, कैफ़े है, तो जिसको जिस तरह का हम यूज़ करना हो, तो आप आइए, देखो कितना बहुत अच्छा व्यू है बैठ के यहाँ से देखिए। और हम चल रहे हैं, ऑर्डर करते हैं कुछ खाना और करते हैं लंच, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय मनाली है, फिर मिलते हैं मनाली आके जल्दी, मनाली से। आज हमारा ट्रेवल है मनाली से दिल्ली का, और ये है लक्ष्मी हॉलीडे इंटरसिटी स्मार्ट बस की बस, सेमी स्लीपर। अभी इसको मंदिर से भी दिखाते हैं, जो कि वोल्वो 96 है ये। अभी जो न्यू वोल्वो आई है, ये वो वोल्वो है जिसको नाम है वोल्वो 96। ये है इंटरसिटी स्मार्ट बस की बस, जो कि वोल्वो 96 की है।